हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फोन वाला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम में किस तरीके से सजेशन आईडी को ऑफ कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम डेली यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड आईडी इस तरह का से देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम में कोई प्राइवेट अकाउंट भी सर्च करोगे तो उसके नीचे आपको सजेस्टेड फॉर यू और वहाँ पर आपको कुछ ऐसे आईडी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितने यूज़र ये आईडी को लेकर प्रॉब्लम में आते हैं कि वो जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते जाते हैं तो वहाँ पर उनको इसे सजेशन आईडी देखने को मिल जाता है। तो कितने यूज़र ये सजेशन आईडी को ऑफ करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम की सजेशन आईडी को ऑफ कर पाओगे। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले सजेशन आईडी को ऑफ करने के लिए आपको आपका डिवाइस का क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना रहेगा। जैसे ही आप क्रोम एप्लीकेशन ओपन करोगे, यहां पर न्यू टैब ओपन कर लेना है। टैब ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम लॉगिन। तो यहां पर हम इंस्टाग्राम लॉगिन सर्च कर लेते हैं। इंस्टाग्राम लॉगिन सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम। अब इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड एंटर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड को एंटर कर लिया। अब यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। आपको थ्री डॉट्स देखने को मिलेगा या फिर ऐसा डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे आपको नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ पीसी जैसा वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम नॉट नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आपको इंस्टाग्राम का कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली से आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर आपका आपका प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल का आइकन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको प्रोफाइल लिखा हुआ होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट प्रोफाइल, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम यूजर नेम, नेम, वेबसाइट अगर आपने प्रोवाइड करी होगी तो वेबसाइट, बायो सब देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आपको इंस्टाग्राम का ईमेल आईडी, फोन नंबर जो आपने प्रोवाइड किया वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिमिलर अकाउंट सजेशन। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो आपको जो अकाउंट के सजेशन आ रहे हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पहले से टिक मार्क किया हुआ है, आपको ये टिक मार्क को हटा देना है। जैसे आप टिक मार्क को हटाओगे यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको क्लिक करना है सबमिट पर। अब सबमिट में क्लिक करते इंस्टाग्राम की आईडी पे ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। तो अब ये सेटिंग सेव होने के बाद आपको जो अकाउंट के सजेशन देखने को मिल रहे थे वो अकाउंट के सजेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम में अकाउंट सजेशन को ऑफ कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारे तरफ से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि इंस्टाग्राम को आपकी चैट हाइड करनी है या फिर आपको इंस्टाग्राम के रील्स के व्यूज इंक्रीज करना है या फिर आपको इंस्टाग्राम के चैट लॉक करना है, तो सभी टॉपिक में मैं वीडियो बना चुका हूँ। इंस्टाग्राम प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके इंस्टाग्राम की सारी वीडियो देख सकते हो। और अगर आपके वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।